हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्टार्ट किया हुआ था, और उसमें हमने तो दो डिजीजेज उसकी जो यूक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो हमने देखी थी, मिनिमल चेन डिजीज़ एंड फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं अपनी लीस्ट इंपॉर्टेंट जो डिजीजेज हैं, जस्ट लाइक MCQs के, जस्ट आपके लिए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए जो जस्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए। ठीक है, सो उसमें आपके पास मेम्ब्रेनस जो है नेफ्रोपैथी आ जाती है थर्ड वाली। ठीक है, इसको ना आपने इस तरह से याद रखना है कि ये वाली फिगर मैंने आपको दिखाई थी, और इसमें मैंने आपको ये वाला दिखाया था कि ये इन सीटू बाइंडिंग होती है एंटीबॉडीज़ की, इम्यून कॉम्प्लेक्स हो भी सकता है, नहीं भी फॉर्मेशन हो सकती है। और यहाँ पे जो मैंने आपको टाइप दी थी ये वाली सब एपिथीलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन मेम्ब्रेनस न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी। ठीक है, इसमें देखें क्या हो रहा है कि जो हमारे पोडोसाइट्स हैं वहाँ पे एंटीजेंस पड़ी हुई हैं, एंटीबॉडीज जाके उसके ऊपर अटैच हो रही हैं। सो ये वाली जो टाइप होती है ना, ये एक्चुअली होती है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की, और अल्टीमेटली उसकी वजह से जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाते हैं पेशेंट की तो वो ग्रैनुलर आती है। ठीक है, सो ये एक्चुअली हमारी मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है। आपने पिक्चर से देख लिया, अब आपको समझ आ जाएगी कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी इज कैरेक्टराइज बाय सब एपिथीलियल इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेनिंग डिपॉजिट्स अलोंग द ग्लोमेरुलो बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि सब एपिथीलियल कौन से होते हैं, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है, और जो सब एंडोथीलियम होते हैं उसमें क्या होता है कि वो एंडोथीलियम के बाहर होते हैं। सो यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी उसके बाहर इम्यूनोग्लोबुलिन के डिपॉजिट्स जमा हो जाएंगे सब एपिथीलियल, उसको हम कहते हैं कि वो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक बात थी कि मिनिमल चेन डिजीज जो है वो बच्चों में थी। ठीक है, और जो हमारे पास FSGS वाली थी फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस वो आपकी थी अडल्ट्स की। ठीक है, ये भी हमारे पास जो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है ये भी आपकी अडल्ट्स की ही है, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा जो बात याद रखनी है वो ये कि लाइट माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो शुरू में तो नॉर्मल नज़र आता है जस्ट लाइक मेम्ब्रेनस। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हमें जो है ना कि पेरिडी वॉल जो होती है उसकी थिकनिंग नज़र आती है। अब पीछे आपने किसी में भी नहीं देखा कि थिकनिंग आपको नज़र आ रही हो, ना आपने इसको मिनिमल चेन डिजीज में आपको थिकनिंग नज़र आई थी कैपिलरी वॉल की। ठीक है, एंडोथीलियम की आपको कोई थिकनिंग नज़र नहीं आई थी, और ना ही आपको जो है ना फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस में थिकनिंग नज़र आई थी, नहीं आई थी ना थिकनिंग नज़र। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये इसका हॉलमार्क हो गया कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में मेम्ब्रेनस से आपने याद रखना है कि यहाँ पे मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी, इस वजह से इसका नाम मेम्ब्रेनस है। ठीक है, सो कैपिलरी वॉल जो है उसकी डिफ्यूज थिकनिंग आपको नज़र आएगी। सो इसके प्राइमरी कॉजेज हो सकते हैं, सेकेंडरी कॉजेज हो सकते हैं। प्राइमरी कॉजेज क्या हो सकते हैं कि जो हमारी पोडोसाइट्स हैं उनके अगेंस्ट कोई ऑटो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। ठीक है, और सेकेंडरी कॉजेज क्या हो सकते हैं कि पहले से कोई बॉडी में चीज़ थी जिन्होंने आके जो है ना ये वाला मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जांपल बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन था लाइक हेपेटाइटिस बी के जो लोग होते हैं, सिफिलिस के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, या सिस्टोसोमियोसिस मलेरिया वाले पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन पहले से उनको था और उसकी वजह से किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई, या मेलिग्नेंट नियोप्लाज्म्स थे वो इर्द गिर्द वाले, ठीक है, लंग्स या कोलन के वो यहाँ पे आ गए। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती हैं लाइक SLE हो सकती है। इसके अलावा जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड मर्करी, ठीक है, ये भी हमारी किडनी को के लिए टॉक्सिक होती हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं। इसके अलावा ड्रग्स आपने बहुत सी फार्मा में ड्रग्स पड़ी थी जो नेफ्रोटॉक्सिक थी, ठीक है, लाइक एनसेड्स हैं, कैप्टोप्रिल है, पेंसिलामीन है, ये सारी हमारे पास क्या करती है, ये एक्चुअली हमारे इन्फेक्शंस हैं, ड्रग्स हैं, ऑटोइम्यून डिजीज हैं, नियोप्लाज्म्स हैं, और सॉल्ट्स जो हैं उसका एक्सपोजर अगर हम लेते हैं तो उसकी वजह से एक्चुअली मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी हो जाती है। इसकी पैथोजेनेसिस में एक्चुअली क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि इम्यून कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनते हैं, आपको जो है मिनिमल चेन डिजीज में कोई जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स नज़र नहीं आ रहे थे, आपको FSGS में जो है वो C3 नज़र आ रहा था और IgM नज़र आ रहा था। ठीक है, लेकिन इम्यून कॉम्प्लेक्स वहाँ पे भी नहीं थे, यहाँ पे आपको इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नज़र आते हैं। क्रोनिक इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं कि पहले से एंटीजेंस पड़ी होती हैं किडनी के ऊपर, वहाँ पे आके एंटीबॉडीज आके लग जाती है, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज नहीं होती यहाँ पे, सर्कुलेटिंग कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं बने होते, पहले से एंटीजन पड़ी होती है, प्लांटेड होती है, फिक्स्ड होती है, वहाँ पे एंटीबॉडी आके लगती है। और ऑब्वियसली जब ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, उसकी वजह से फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन और फर्दर उसके जो स्टेप्स आते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के, लाइसिस हो जाती है सेल्स की, कीमोटैक्सिस होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे फर्दर इन्फ्लामेटरी सेल्स आते हैं और वो सारा प्रॉब्लम जो होती है ना इन्फ्लामेशन की वो स्टार्ट हो जाती है। तो अब खुद सोचें कि ये सब कुछ एक किडनी में हो रहा हो तो वो क्या करेंगे, हमारी किडनी को डैमेज ही करेंगे ना, तो फिर मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी आती है। उसके बाद इसकी मॉर्फोलॉजी में हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करना होता है। सबसे पहले हम इसका लिखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, फिर हम लिखते हैं इसका फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, और फिर हम इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लिखते हैं। तो जो लाइट माइक्रोस्कोपी होती है उसमें वही चीज़ नज़र आएगी जो मैंने अभी आपको बताया कि शुरू में तो लाइट माइक्रोस्कोप में हमें नॉर्मल नज़र आता है, लेकिन बाद में जो मेन चीज़ इसकी आती है वो ये कि जो कैपिलरी वॉल होती है उसकी हमें थिकनिंग नज़र आती है। और इसके अलावा क्योंकि ये सब एपिथीलियल हमारे पास डिफेक्ट
इफेक्ट आता है तो सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स हमें नज़र आएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया है। तो ये सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स नज़र आते हैं, और इसमें जो मोस्ट करेक्टरिस्टिक जो आपका MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो ये कि स्पाइक एंड डोम पैटर्न आपको नज़र आता है। स्पाइक एंड डोम पैटर्न, ठीक है, मीन्स दैट कि एक डोम बना होगा और एक स्पाइक बनी होगी, ये हमारे पास पैटर्न जो है वो नज़र आता है इसमें, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में आपको क्या नज़र आएगा, आपको थिकनिंग नज़र आएगी, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको स्पाइक एंड डोम पैटर्न नज़र आएगा। ये आपके पास बुक की फिगर है, इसमें आपको बहुत अच्छा दिखाया हुआ है कि सबसे पहले तो ये रेड कलर की जो बिल्कुल अंदर ऑरेंज कलर की टाइप दिखाई हुई है, ठीक है, ये वही वाली क्या है, एंडोथीलियम है। फिर आपके पास पिंक कलर की जो दिखाई हुई है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बिल्कुल बाहर ये जो पर्पलिश ब्लूइश कलर की है ये पोडोसाइट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स बनते हैं, मतलब ये कि जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर की तरफ ये आपको डिपॉजिट्स नज़र आते हैं, ये ब्लैकिश सारे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ब्लैक से ये सारे सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स हैं, ब्लैक, ठीक है। अब इसमें जो है ना, सब ये जो ब्लैक डिपॉजिट्स हैं इनमें इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये देखें, सबसे पहले तो आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकर नज़र आ रही है। ये किस में नज़र आएगा आपको, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप में आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन थिक नज़र आएगी। दूसरा आपको जो है वो सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स नज़र आएंगे, ठीक है, ये आपको ब्लैक सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स नज़र आ गए, ये किस में नज़र आएंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। फिर आपके पास जो है स्पाइक्स एंड डोम पैटर्न नज़र आएगा, जो आपको इन्हीं सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स की वजह से नज़र आएगा, ठीक है। ये जो आपको स्पाइक्स हाईलाइट की हुई है इन्होंने, ये जो स्पाइक्स ही नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये स्पाइक्स हैं, और जहाँ पे ये ब्लैक है ना, ठीक है, ब्लैक जहाँ पे ये सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स है ना, ये डोम वाला एरिया है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा उभड़ा हुआ है, ठीक है, उभड़ा हुआ बाहर की तरफ, डोम की तरह, गुंबद की तरह बाहर आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका डोम वाला पार्ट है ब्लैक वाला, और जो अंदर इसके पार्ट हैं वो स्पाइक्स हैं, तो स्पाइक्स एंड डोम पैटर्न जो है वो आपको नज़र आता है। और इसके अलावा फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस करवाते हो तो वो मैंने आपको बताया कि ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आती है क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि इसमें भी C3 कॉम्प्लीमेंट नज़र आता है आपको, लेकिन इसमें IgM नज़र नहीं आता, इसमें आपको IgG नज़र आता है, ठीक है। ये आपने डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ याद रखनी है। ये जो आपके पास टेबल है ना आपकी बुक में 14.2, इसमें काफ़ी अच्छे इन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं, इसमें आप बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या डिफरेंस है इम्यूनोफ्लोरेसेंस में, तीनों में अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि मिनिमल चेन में कोई इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो आपको नहीं नज़र आती क्योंकि वहाँ पे कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, ठीक है। फोकल सेगमेंटल में आपको C3 कॉम्प्लीमेंट नज़र आता है और IgM नज़र आता है, और जो मेम्ब्रेनस अभी हमने डिस्कस किया इसमें आपको ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस नज़र आती है क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने होते हैं, और दूसरी चीज़ आपको C3 कॉम्प्लीमेंट नज़र आता है और आपको IgG नज़र आती है, ठीक है। ये इसका डिफरेंस आपने याद रखना है, और बाकी इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सेम वही होंगे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के होते हैं। इसमें जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये कि इसमें ना सडन ऑनसेट होता है और फुल ब्लोन नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, एकदम से पेशेंट को आता है और साथ ही जो है ना एकदम से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स जो सिम्टम्स होते हैं सारे आना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन लॉस और वो सब कुछ, ठीक है। जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं ना वो आपने याद रखे हैं, जस्ट इतनी सी मैं आपको बात बताऊंगी बस। और इसमें एक और चीज़ मैंने आपको बतानी है कि वो ये कि जो आपके पोडोसाइट्स होते हैं उनकी जो एंटीजन होती है वो कौन सी होती है जिसके अगेंस्ट आके एंटीबॉडी लगती है, तो वो है आपकी फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज A2 रिसेप्टर होता है जिसके अगेंस्ट आके एंटीबॉडी लगती है। सो ये आपके पास मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, ठीक है। अब पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि मिक्स्ड फॉर्म होती है, इसमें आपके पास जो है वो दोनों चीज़ें आती हैं, नेफ्रोटिक सिम्टम्स की भी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के भी साइंस आ रहे होते हैं, नेफ्राइटिक के भी आ रहे होते हैं, ठीक है। नेफ्राइटिक जो होता है ना, नेफ्रोटिक का तो मैंने आपको बता दिया, नेफ्राइटिक जो होता है ना उसमें मोस्टली जो मेन चीज़ होती है ना उसमें वो ये होता है हिमचूरिया होता है, उसमें ब्लड आ रहा होता है यूरिन में, ठीक है। सो ये उसकी डिफरेंस होता है कि उसमें प्रोटीन यूरिया इतना नहीं होता नेफ्राइटिक में, उसमें हिमचूरिया ज़्यादा होता है, ब्लड इन यूरिन होता है। तो इसमें ना हमारे पास जो मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसमें जो पहली डिफरेंशिएटिंग चीज़ है वो ये कि इसमें मिक्स्ड फॉर्म होती है, इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी होता है, नेफ्राइटिक भी होता है, पेशेंट के अंदर प्रोटीन यूरिया भी हो रहा होता है, पेशेंट के अंदर हिमचूरिया भी हो रहा होता है, उसके ब्लड में, उसके जो यूरिन है उसमें ब्लड भी आ रहा होता है, उसके यूरिन में प्रोटीन्स भी ज़्यादा हो रही होती हैं, ठीक है। सो मिक्स्ड फॉर्म है पहली बात, कंबाइंड नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक पिक्चर। दूसरी बात इसके नाम से आपको क्लियर होगी, मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव, ठीक है, मीन्स दैट यहाँ पे प्रोलीफरेशन होगी। यहाँ पे प्रोलीफरेशन किस किस चीज़ की होगी, इसमें जो आपकी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी भी प्रोलीफरेशन होगी, वो भी थिकेंड आपको नज़र आएगी, और दूसरा आपको जो मेसेंजियम होगा वो भी प्रोलीफरेट करता हुआ नज़र आएगा,
ठीक है। सो ग्लोमेरुलर जो ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वो भी प्रोलीफ्रेट कर रहे होते हैं, इसमें मेसेंजियम भी प्रोलीफ्रेट कर रही होती है, उसमें भी प्रोलीफ्रेशन आ रही होती है, इस वजह से जो है इसका नाम हमने मेम्ब्रेनो प्रोलीफ्रेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट जो है उसके नाम से आपको क्लियर हो गया। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये कि इसमें ना हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप में जो डिफरेंस आता है वो ये कि इसमें ना ग्लोमेरुलो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ना उसमें हमें स्प्लिटिंग नज़र आती है, ठीक है। मतलब जो हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट्स में। कैसे स्प्लिट हो जाती है, होता क्या है? मैंने आपको बताया कि जो मेसेंजियम होता है ना उसके जो सेल्स होते हैं वो प्रोलीफ्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो मेसेंजियल सेल्स होते हैं ना और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पर आए होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पर ना प्रोलीफ्रेट करके ना तो एक्सटेंशंस देते हैं अपने प्रोसेसेस के, ठीक है, एक्सटेंशंस देते हैं अपने प्रोसेसेस के, जिसकी वजह से बेसमेंट मेम्ब्रेन ना हमें ऐसे लगती है दो पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई है। इस फिगर से आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें सबसे पहले कि ये आपको ना दो इसकी टाइप्स होती हैं, टाइप वन होती है मेम्ब्रेनो प्रोलीफ्रेटिव और टाइप टू होती है, ठीक है। टाइप वन में अगर आप देखें ना तो इसमें भी आपको क्लियर हो रहा है, ये देखें ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैं दोबारा से बताऊंगी ये जो बिल्कुल अंदर ऑरेंज कलर की है ये सारी एंडोथीलियम है, फिर ये जो रेड कलर की है पिंकिश रेडिश ये सारी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बिल्कुल बाहर जो है वो ब्लू कलर की आपकी पोडोसाइट्स हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लैकिश ब्लैकिश आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये इसके सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स हैं। ये आपको एक और डिफरेंस इसमें नज़र आ रहा है, जो हमने पीछे मेम्ब्रेनस वाला पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स थे, उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर डिपॉजिट्स बने हुए थे ब्लैक कलर के, ठीक है। यहाँ पे देखें यहाँ पे सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। और मैंने आपको जब एक फिगर दिखाई थी उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि जो सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो सब एपिथीलियल होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसका मतलब ये ज़्यादा स्वियर फॉर्म होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखें सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आप यहाँ पे गौर करें कि ये डिफरेंस पे आपको क्लियर हो गया, एक और हो गया क्लियर, लास्ट में सब समराइज करूँगी डिफरेंसेस, ठीक है। फिर ये ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है ये सारी मेसेंजियम है, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर की देखें पहले तो नॉर्मल इस तरह से प्रोलीफ्रेट नहीं की होती, इसके जो प्रोसेसेस ये सारे स्टार इसके जो प्रोसेसेस हैं ये ऐसे एक्सटेंड करके ना तो ये पिंक वाले एरिया में सारे जा रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जा रहे हैं। इनका नाम इन्होंने रखा हुआ है इंटरपोज्ड मेसेंजियल सेल प्रोसेसेस, ठीक है। सो ये एक्चुअली जो है ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से जो है ना ये आप इसको कहते हो कि ये मुझे नज़र आ रहा है इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है। और इसका करेक्टरिस्टिक जो नाम आप देते हो कि स्प्लिटिंग ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन को जो आप नाम देते हो वो होता है ट्रैम ट्रैक अपेरेंस, ठीक है, ट्रैम ट्रैक अपेरेंस, ये आप इसको नाम देते हो करेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये आपने याद रखना है MCQs के लिए। और इसमें जो आप स्टेनिंग करते हो वो करते हो लाइट माइक्रोस्कोप में जो पीरियोडिक एसिड्स के स्टेन करते हो, ठीक है। सो ये आपकी बात हो गई। उसके बाद इसमें वही होगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें क्या नज़र आएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या नज़र आएगा, जो अभी हमने देखा सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स, ठीक है, सब एपिथीलियल डिपॉजिट्स जो होंगे वो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आएंगे, ठीक है। और अगर इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे तो इसमें आपको जो है वो क्या नज़र आएगा, इसमें आपको जो है ना जो चीज़ें नज़र आएंगी वो C3 नज़र आएगा, इसमें IgG नज़र आएगा। ये दोनों चीज़ें वही हैं जो हमने मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में पढ़ी थी, C3 एंड IgG। इसके अलावा आपको जो है C4 भी नज़र आ सकता है, C4 भी नज़र आता है, और आपको C1Q भी नज़र आता है, ठीक है। सो इसमें दो चीज़ें और ऐड हो गई, C1Q C4, ठीक है। सो ये आप सब जो है ना डिफरेंसेस आप उस डिफरेंस टेबल में देखोगे 14.2 में, आपको सारे वहाँ पे क्लियर होंगे। सो ये हमारे पास होता है इसमें। और क्लिनिकल पिक्चर मैंने आपको बता दिया इसकी कि इसमें हमें नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों जो है ना क्लिनिकल फीचर्स नज़र आते हैं। सो मैं इन समरी शॉर्ट में अगर आपको इसके डिफरेंसिंग पॉइंट्स बताऊँ, डिफरेंसिएशन पॉइंट्स बताऊँ फ्रॉम द अदर्स, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मिक्स्ड फॉर्म मिलेगी नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक सिंड्रोम की। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें आपको प्रोलीफ्रेशन नज़र आएगी, इसके नाम से आपको नज़र आ रहा है प्रोलीफ्रेशन नज़र आएगी, किसकी, ग्लोमेरुलर सेल्स की भी और मेसेंजियम की भी, ठीक है। उसके बाद इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में जो डिफरेंस आता है वो मैंने आपको बता दिया कि लाइट माइक्रोस्कोप में आपको जो है यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मेसेंजियम की प्रोलीफ्रेशन नज़र आ रही होती है, यहाँ पर आपको जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में जो है वो
ग्लोब जो स्प्लिटिंग नज़र आ रही है, स्प्लिटिंग नज़र आ रही होती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की, जिसको आप ट्रैम ट्रैक अपेरेंस कहते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स मिलते हैं, और जो आपकी फाइनल इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है उसमें आपको C3 भी मिलता है, उसमें आपको IgG भी मिलती है, उसमें आपको C1Q भी मिल रही होती है, और इसमें आपको जो है वो C4 भी मिल रही होती है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं ये सब। तो ये आपके डिफरेंशिएटिंग जो है ना करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। फिर हम लास्टली देख लेते हैं C3 ग्लोमेरुलोपैथी। ठीक है, इसमें ना आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो हमने पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो होती है ना वो वही वाली होती है जो अभी हमने पढ़ी है, ठीक है, मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो टाइप 2 होती है ना, उसका दूसरा नाम होता है डेंस डिपॉजिट डिजीज़, और इसका तीसरा नाम जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो यही है C3 ग्लोमेरुलोपैथी। ये जस्ट आपके MCQs के लिए और वाइवा के लिए आपने इसको पढ़ना है, और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हम इसमें से निकाल लेते हैं। सबसे पहला यही पॉइंट है कि ये टाइप 2 हमारे पास जो है ना मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, मींस दैट इसमें भी मिक्स्ड फॉर्म होगी नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक की, बहुत से फीचर्स उसके साथ मैच करे होंगे, लेकिन एक्चुअली ये इसका नाम डेंस डिपॉजिट डिजीज़ रखा हुआ है। अब डेंस डिपॉजिट डिजीज़ का क्यों रखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे कि इसका नाम क्यों चेंज करके हमने जो है ना डेंस डिपॉजिट डिजीज़ रखा है। डेंस डिपॉजिट से आपको समझ आ रही है कि इसमें हमें कोई डेंस मतलब बहुत ही गहरे किस्म के जो है ना डिपॉजिट्स नज़र आएंगे, इस वजह से हमें इसका नाम रखा हुआ है। कि जब हम जो है ना मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो हमें सिंपली सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स नज़र आ रहे थे, ठीक है, सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स नज़र आ रहे थे। लेकिन जब हमने C3 ग्लोमेरुलोपैथी वाले पेशेंट्स को, डेंस डिपॉजिट डिजीज़ वाले पेशेंट्स को जो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उनको देखा, उनकी जगह को, तो वहाँ पर हमें जो है ना डेंस डिपॉजिट्स नज़र आए। इसी बेस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके जो है ना टाइप 2 रख लेते हैं नाम। इस फिगर से आपको जो है ना वो नज़र आएगा, पहले जो टाइप 1 है उसमें देखेंगे जो सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स हैं अलग-अलग हैं, ठीक है। जब ये सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक मतलब इकट्ठे होके एक पूरी लाइन बना देते हैं ना, तो ये जैसे आपको इधर इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट बन जाते हैं फिर वो, ठीक है। सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स थे वो मिल गए और उन्होंने बना दिया इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स, बस यही डिफरेंस है हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। सो यही इसका मेन डिफरेंस है दोनों का, टाइप 1 और टाइप 2 का, जो कि हमारे पास है इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स, अगर वो लेट स्टेज में मिल के ये बना दें तो उसको हम कहते हैं। और इसके अलावा ये जो होते हैं ना, ये वाले मैंने आपको जो बताए हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट्स आपको नज़र आते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस, ठीक है, ये एक्चुअली ना इनका नाम होता है, ये वैक्सी डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, वैक्सी डिपॉजिट्स होते हैं जो हमारे पास होता है ना लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं, और वैक्सी डिपॉजिट जो है ना रिबन लाइक होते हैं बाद में, ठीक है। इसका जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है मतलब वो सेम होता है हमारे मेम्ब्रेनो प्रोलीफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का ना, सेम इनका लाइट माइक्रोस्कोप में सेम हमें प्रोलीफरेशन नज़र आ रही होती है मेसेंजियम की, ठीक है, और हमें जो है वो ट्रैम ट्रैक अपेरेंस नज़र आ रहा होता है। लाइट माइक्रोस्कोप में ये सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैंने आपको बता दिया कि उसमें हमें वैक्सी डिपॉजिट्स नज़र आते हैं टाइप 2 में, और टाइप 1 में जो है ना हमें सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स नज़र आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास होती है थर्ड चीज़ जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि C3 है ना, तो C3 ग्लोमेरुलोपैथी में ना हमें C3 ही नज़र आता है सिर्फ, और कोई भी नज़र नहीं आता। ये आपके पास जो लास्टली मैंने आपको जितनी भी बातें बता दी है ना, वो आपने इस टेबल से 14.2 को लाजमी देख लेना, इससे आपको डिफरेंशिएट पॉइंट्स जो हैं वो समझ आ जाएंगे सबके। नेक्स्ट से हम जो है ना इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं नेफ्राइटिक सिंड्रोम।